उधमपुर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। उधमपुर में आतंकियों ने फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। पुलिस और सेना सर्च ऑपरेशन इस वक्त चला रही हैं। एक के बाद एक जब से आहट शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की, आतंकवादियों ने अपनी हरकतों में तेजी लाने की कोशिश की है। हालांकि निराश और हताश है आतंकवादियों की ये कोशिश, लेकिन सुरक्षा बल तुरंत मौके पर जवाब दे रहे हैं और एक एक करके इन्हें खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। घाटी को पूरी तरीके से करीब करीब मुक्त कराने के बाद जम्मू रीजन में आतंकवादी इस आतंकवादी हरकतों के जरिए विश्व में दिखाने की कोशिश में हैं कि तनाव अभी भी बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, लेकिन सुरक्षा बल बिना देरी के इन आतंकवादियों को उनके अंजाम पर पहुंचाने के लिए घेर रहे हैं। तो उधमपुर से एक खबर सामने आ रही है जो कि जम्मू रीजन का एक खास शहर है और यहाँ पर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसके बाद उन आतंकवादियों को घेर लिया गया है। ये जानकारी समय के दायरे में नहीं बांधी जा सकती, एक दो मिनट में इस जानकारी का वो असर नहीं होता, लिहाजा इस जानकारी को हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे कि भारतीय सुरक्षा बल इन आतंकवादियों को उनके अंजाम पर पहुंचाने के लिए तैयार और तत्पर हैं और बिना देरी के इनका पता चलते ही एरिया कॉर्डन ऑफ करते हैं, इन्हें घेरते हैं और फिर इन्हें ढेर कर दिखाते हैं, क्योंकि आतंकवादी हताश और निराश हैं और इनकी कोशिश भारत में खास तौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव को देखते हुए तनाव और दहशत फैलाना ही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है, पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू से ज़्यादा दूरी पर ये ज़िला नहीं है उधमपुर, जहाँ से खबर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में रियासी में भी इस तरीके का हमला हुआ, जम्मू बॉर्डर पर आईबी के पास भी इस तरीके की हरकतें आतंकवादी करते दिखे।